नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएटी की काउंसलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स के बारे में। मैं आपको बता दूं, पीएटी की काउंसलिंग की जो सेकंड फेज की लिस्ट है उसके अलॉटमेंट जारी हो चुके हैं। सेकेंड फेज के अलॉटमेंट आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे वेबसाइट की लिंक दी हुई है clipsonlineservices.com की, आप जाकर लॉगिन करके अपना अलॉटमेंट चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, जो भी छात्र बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं वह पीएटी की काउंसलिंग में बैठते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम कट ऑफ से संबंधित जानकारी चेक करते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अधिक जानकारी के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.jnkvb.org पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा www.rbskvb.net पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा www.cripsonlineservices.com पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इन वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए कट ऑफ देखते हैं कैसा क्या रहा है इस वर्ष। जो छात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाली फैमिली या सैनिक वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं और किसी भी कैटेगरी के, चाहे SC ST जनरल OBC किसी भी कैटेगरी के हैं, वे सभी अभ्यर्थी पात्र हैं BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए, और वे सभी छात्र पात्र हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी, ठीक है। फिर उसके अलावा जो छात्र SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल, ठीक है, महिला अभ्यर्थी SC कैटेगरी की अनुसूचित जाति की, वे सभी महिला अभ्यर्थी जिनके नंबर 61 या 61 से अधिक हैं, 61 या 61 से अधिक हैं, वो BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और जिनके नंबर 65 या 65 से अधिक हैं वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के जो मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और कृषक अभ्यर्थी हैं, उनके नंबर अगर 61 या 61 से अधिक हैं, ठीक है, जैसा कि फीमेल के यहाँ पर फीमेल के लिए था, SC कैटेगरी फीमेल के लिए, वही नंबर यहाँ पर SC कैटेगरी मेल और कृषक अभ्यर्थियों के लिए भी हैं। BSc एग्रीकल्चर के लिए 61 या 61 से अधिक, और सॉरी BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए 61 या 61 से अधिक, ठीक है, और BTEC एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 65 या 65 से अधिक। अब ST, ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए ST कैटेगरी की 60 या 60 से अधिक, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में प्रवेश के लिए, और BTEC एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए 53 या 53 से अधिक। और पुरुष अभ्यर्थी व कृषक अभ्यर्थी जो कि अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से हैं या ST कैटेगरी से, 60 या 60 से अधिक, और BTEC एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले 53 या 53 से अधिक, ठीक है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी, ठीक है, OBC कैटेगरी की समस्त महिला अभ्यर्थी 70 या 70 से अधिक BSc के लिए, और BTEC के लिए 76 या 76 से अधिक। इसके अलावा OBC कैटेगरी के पुरुष व कृषक अभ्यर्थी 81 या 81 से अधिक, और BTEC के लिए 89, 89 या 89 से अधिक। इसके अलावा अनारक्षित श्रेणी की समस्त महिलाएं, समस्त पात्र अभ्यर्थी, ठीक है, और 66 या 66 से अधिक BTEC एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थी X और EWS दोनों
बीएससी के लिए 81 या 81 से अधिक नंबर, और बीटेक के लिए 89 या 89 से अधिक नंबर। तो यहाँ पर मैंने प्राप्तांकों से संबंधित जानकारी दे दी है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों कुछ प्रवेश से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित जो प्रक्रिया है। पीएटी 2019 ऑनलाइन ऑफ कैंसन कैंपस काउंसलिंग प्रक्रिया, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग हेतु प्रमुख यहाँ पर 6 चरण दिए हुए। पहला होता है ऑनलाइन पंजीयन, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। पहले चरण में क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दूसरे में ऑनलाइन प्रेफरेंस आपको देना रहता है, चॉइस फिलिंग करनी रहती है, और पेमेंट करना होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन की और पोर्टल फीस। ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम का चयन, ऑनलाइन आवेदन, पोर्टल शुल्क का भुगतान। तीसरे में आपको दस्तावेजों का सत्यापन करना रहता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। चौथे में ऑनलाइन आवंटन, ऑनलाइन अलॉटमेंट जारी होता है, ठीक है। पाँचवें में ऑनलाइन आंशिक शिक्षण काउंसलिंग शुल्क का भुगतान, ऑनलाइन पार्ट पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी। छठवें में आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश, रिपोर्टिंग एंड एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज। तो दोस्तों छठवें स्टेप में आपको जो भी कॉलेज आपको मिलता है दोस्तों अलॉटमेंट में, ठीक है, उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्ट करना होता है, मतलब वहाँ पर पहुँच कर बताना होता है कि मेरा अलॉटमेंट हो गया है, और जो भी एडमिशन की प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना रहता है। काउंसलिंग में अधिकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी चरण 1 से 6 तक का पालन करना होगा। तो इन 6 चरणों में ही दोस्तों आपकी प्रवेश प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। काउंसलिंग वाली जो प्रक्रिया है वो 6 चरणों में कंप्लीट होती है। अब हम इसको विस्तृत रूप में देख लेते हैं। पहला है ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दिया है पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, तो पंजीयन में कोई शुल्क नहीं लगती। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ पर कुछ वेबसाइट दी हुई हैं दोस्तों, इन वेबसाइट्स के माध्यम से प्रदेश में कहीं से भी सम्मिलित हो सकते हैं काउंसलिंग में, ठीक है। इसके अलावा नीचे लिखा है सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आईडी एवं पासवर्ड एसएमएस या ईमेल द्वारा प्राप्त होगा। अगली बार अभ्यर्थी अपने आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें, ताकि समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करने में परेशानी ना हो। इसके अलावा अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है। पासवर्ड भूल जाने, गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा फॉरगेट पासवर्ड, जो फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन होता है, पर क्लिक कर पासवर्ड रिसेट किया जा सकता है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी बता दी है। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है ऑनलाइन प्राथमिकता का चयन, पोर्टल शुल्क का भुगतान, ऑनलाइन प्रेफरेंस, चॉइस फिलिंग एंड पेमेंट ऑफ पोर्टल फी। सफलतापूर्वक लॉगिन पश्चात, तो रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। अभ्यर्थी अपने पीएटी रोल नंबर तथा जन्म तिथि का उपयोग कर पाठ्यक्रम संस्थाओं का प्राथमिकता क्रम में चयन कर सकेंगे, ठीक है। क्या करना रहता है आपको, जो भी कॉलेज आपको चाहिए है उसको आपको चॉइस करना रहता है, ठीक है। जो भी जिस भी कॉलेज में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसको चॉइस करना रहता है। इसको हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, चॉइस फिलिंग। इस कार्रवाई के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा, तो देख लेते हैं। अभ्यर्थी को सभी उपलब्ध महाविद्यालय पाठ्यक्रमों का प्राथमिकता अनुसार ऑनलाइन चयन करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर चॉइस लॉक करना होगा। अपनी इच्छित प्राथमिकता को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकता को अपनी संतुष्टि के लिए कई बार बदल सकते हैं। तो आप जो भी चॉइस करते हैं दोस्तों, ठीक है, कॉलेजेस की, उसको आप बदल भी सकते हैं, परंतु शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकता क्रम लॉक हो जाएगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो दोस्तों जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं,
तो उसको बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप फीस पेड करके उसको लॉक कर देंगे, ठीक है, जो भी आपने कॉलेज चूज़ करे हैं उनको लॉक कर देंगे, तो उसके बाद आप फिर उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, उसके पहले आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, बदल सकते हैं। अभ्यर्थी को शुल्क ₹550 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, वापस नहीं होगा। अपनी चॉइस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी, जिसमें भुगतान किए गए शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी चॉइस का क्रम प्राथमिकता के अनुसार मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती रिसीप्ट को संभाल कर अपने पास रखें। तो दोस्तों, चॉइस फिलिंग के बाद आपको जो भी रिसीप्ट मिलती है, प्रिंटआउट मिलता है, उसको संभाल कर रखें। शुल्क भुगतान के लिए निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, कोई भी बैंक, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर वीजा, कोई भी, ठीक है। अगला चरण, अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेजों का सत्यापन। ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकता क्रम को लॉक करने के पश्चात सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का निकटस्थ महाविद्यालय में सत्यापित कराना होगा। तो दोस्तों, जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी, पहले क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर चॉइस फिलिंग हुई, और चॉइस फिलिंग के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो आप पता कर लीजिएगा कि आपके नज़दीक में कौन से महाविद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप पहुँच जाइएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना रहेंगे हम देख लेते हैं। पहला है अर्हकारी परीक्षा PAT 2019 की अंक सूची। दोस्तों, PAT का जो आपने एग्ज़ाम दिया है, उसका जो रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट, आपकी जो मार्कशीट है PAT की परीक्षा की रिजल्ट की, जिसमें आपके नंबर, मेरिट लिस्ट दी हुई है, उसको प्रिंट आउट निकलवाइए बढ़िया कलर में, और उसको ले जाना है। साथ ही साथ 10वीं की अंक सूची, ठीक है, प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, कहने का मतलब है माइग्रेशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र, कार्यरत कृषक प्रमाण पत्र, अगर कृषक फैमिली से आप बिलोंग है तो, अगर है तो, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सैनिक प्रमाण पत्र, अगर कोई गैप है आपका 12वीं के बाद तो गैप प्रमाण पत्र, ठीक है, 2-3 साल का, ठीक है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, तैयारी करते रहते हैं, तो उस केस में आपको गैप प्रमाण पत्र देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS का प्रमाण पत्र, अगर आप EWS फॉर्म भरते हैं। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती। EWS क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। इसके बाद महाविद्यालयों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापस कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट तुरंत वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। महाविद्यालय अभ्यर्थियों को योग एलिजिबल, आयोग नॉट एलिजिबल होने की पावती जारी करेंगी। तो दोस्तों, अगर आप योग्य हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही निकले तो आप योग्य होंगे, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आप अयोग्य होंगे, या फिर कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट निकला तो। किसी दस्तावेज के उपलब्ध ना करा पाने या सही दस्तावेज उपलब्ध ना करा पाने के कारण अयोग्य अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही चाहे गए दस्तावेजों को सत्यापन करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेजा नहीं पाते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, तो आप दोबारा भी दोस्तों उस डॉक्यूमेंट को बनवा कर, या उस डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट करके ढूंढ कर, आप दोबारा भी काउंसलिंग में जा सकते हैं, और दोबारा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, सिर्फ अंतिम तिथि का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे दिए आरक्षित श्रेणी में अयोग्य हो जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी PEB द्वारा घोषित PAT प्रावीण्य सूची के आधार एवं PEB निगम नियम पुस्तिका में दिए गए नियमों के अंतर्गत रहेगी। सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व मूल दस्तावेजों को निम्न महाविद्यालयों में सत्यापित कराया जा सकता है। यहाँ पर कुछ
दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व मूल दस्तावेजों को निम्न विद्यालयों में सत्यापित कराया जा सके। तो दोस्तों इन कॉलेजेस में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बसौदा विदिशा, बारा सिवनी बालाघाट, पवारखेड़ा होशंगाबाद, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा। इसके अलावा उद्यान की महाविद्यालय मंदसौर, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर, ठीक है। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, आंचलिक अनुसंधान केंद्र, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। इसके अलावा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर। इसके बाद अगला स्टेप है ऑनलाइन आवंटन, ऑनलाइन अलॉटमेंट। तो दोस्तों पीएटी में प्राप्तांक को के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता पीएटी के प्रवेश नियमों के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों आवंटन में क्या क्या देखा जाएगा, आपके पीएटी के नंबर, आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है दोस्तों, जो भी कॉलेज आपने चूज किया है, ठीक है, और पीएटी के जो भी प्रवेश के नियम हैं उनको आपने फॉलो किया है या नहीं, ठीक है। तो इसके आधार पर दोस्तों आवंटन किया जाता है। और आवंटित महाविद्यालय पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में होगा। तो दोस्तों आपको लॉगिन करके चेक करना होगा अपना अलॉटमेंट लेटर, और अलॉटमेंट लेटर में आपके अलॉटमेंट से संबंधित सभी जानकारी रहती है, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, कब आपको उपस्थित होना है, पूरी डेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर उपस्थित होना है, कितनी फीस लगनी है, कहाँ पर आपको उपस्थित होना है, सब कुछ उसमें दिया रहता है आपके अलॉटमेंट लेटर में, ठीक है, जिसका प्रिंटआउट अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों अलॉटमेंट लेटर आप कैसे प्राप्त कर सकेंगे, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से क्रिप्स ऑनलाइन सर्विसेज या फिर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय या फिर जो भी वेबसाइट है, ठीक है, पीएटी के काउंसलिंग से संबंधित, उन पर जाकर लॉगिन करके ऑनलाइन आंशिक शिक्षण काउंसलिंग शुल्क का भुगतान। इसके बाद अगला स्टेप है ऑनलाइन पार्ट पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी। आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आंशिक शिक्षण काउंसलिंग शुल्क ₹5,000 का भुगतान करना होगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान करने के बाद आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किए गए शुल्क का विवरण मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस रिसिप्ट को संभालकर अपने पास रखें, आवंटित संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत करें। तो दोस्तों आपको जो भी काउंसलिंग शुल्क है, ठीक है, ऑनलाइन आंशिक शिक्षण यह काउंसलिंग शुल्क है ₹5,000, ठीक है भाई, आपको भुगतान करनी होगी, पेड करनी होगी, ठीक है, ऑनलाइन पार्ट पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी ऑनलाइन पेड करनी होगी। और जो भी रिसिप्ट प्राप्त होती है दोस्तों पेमेंट करने के बाद, उस रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना होगा, और जब आप कॉलेज जाएंगे, जिस भी कॉलेज में आपको प्रवेश मिला है, तो वहाँ पर आपको वो प्रस्तुत करनी होगी, मतलब दिखानी होगी, ठीक है। और दोस्तों इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको फोटो कॉपी आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखी होगी, कितनी फोटो कॉपी ले जानी है, कितने सेट में ले जानी है, अटेस्टेड करनी है या नहीं करनी, सब कुछ आपको अलॉटमेंट लेटर में दिया होगा, ठीक है, जो भी आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा। इसके बाद अगला जो अंतिम स्टेप है आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश। अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में आवंटन पत्र, काउंसलिंग शुल्क भुगतान की पावती तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा एक प्रति स्वसत्यापित रंगीन छाया प्रति सभी मूल प्रमाण पत्रों की एवं आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग फीस पेड करने के बाद आपको प्रवेश लेने के लिए संबंधित कॉलेज में जाना होगा, जो भी आपको मिला है, तो क्या क्या ले जाना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कलर फोटो कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी, स्वसत्यापित, ठीक है, रंगीन छाया प्रति, और जो आपने फीस पेड की है उसकी रिसिप्ट, ठीक है, और जो भी आवश्यक शुल्क आपको लगने वाली है कॉलेज में
उसके साथ आपको उपस्थित होना होगा, ठीक है। और शुल्क जो आपने फीस पेड की थी काउंसलिंग की, उसकी जो रिसिप्ट मिली है वह भी। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र में चाही गई सीट महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र में आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ आगे लिखा है कि अभ्यर्थी को प्रथम चक्र में चाही गई सीट या महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र में आवंटित महाविद्यालय में अपग्रेडेशन का विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप उसमें अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, मतलब उसमें अपडेट बदलाव भी कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को एक आवेदन देना होगा, ठीक है। किंतु द्वितीय चक्र में आवंटित सीट महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। तो दूसरे राउंड की जो काउंसलिंग होगी दोस्तों, उसमें आपको बैठना जरूरी होगा। अगर पहले राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है, पहले राउंड में आपको अलॉट नहीं होता कॉलेज, तो दूसरे राउंड में बैठना आपको जरूरी होगा। अपग्रेडेशन की पात्रता केवल प्रथम चक्र के आवंटन में ही होगी, इसके बाद के चक्र में यह विकल्प प्राप्त नहीं होगा। अपग्रेडेशन का विकल्प चयन करने वाले छात्र को सिस्टम जनरेटेड पत्र प्राप्त होंगे। तो आगे लिखा है, अपग्रेडेशन का विकल्प चयन करने वाले छात्र को सिस्टम जनरेटेड पत्र प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों, जब आप अपग्रेडेशन करेंगे तो जहाँ से भी अपग्रेडेशन करेंगे वहाँ से आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, उसको संभाल के रखना है, ठीक है, जिसकी एक प्रति छात्र को तथा एक प्रति आवंटित महाविद्यालय जहाँ छात्र ने उपस्थिति दर्ज कराई है वहाँ रिकॉर्ड में रखी जाएगी। तो उसकी एक प्रति आपको अपने पास रखना है और एक प्रति जिस कॉलेज में भी आप, जो भी कॉलेज आपने चूज किया है, ठीक है, जहाँ भी आपको एडमिशन लेना वहाँ पर जमा रहेगी एक प्रति आवंटित महाविद्यालय, जो भी आपको अलॉटमेंट मिला है, ठीक है। यहाँ पर अपग्रेडेशन से मतलब है दोस्तों कि आप कॉलेज, जैसे आपको कॉलेज बदलना है, एक कॉलेज मिल गया, ठीक है, दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आप दूसरे कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता अपग्रेडेशन, ठीक है। तो एक प्रति आपको अपने पास रखनी है और एक प्रति कहाँ जमा करनी है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण 6 स्टेप थे वह मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ फॉर्म दिए हुए हैं, यहाँ पर दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी हुई हैं, तो उन पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और यहाँ पर सभी जानकारी दोस्तों मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको दी हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी दी हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।